final. वहाँ जो भाई बहन दिख रहा है वही राम सेतु का अंश है। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। तो हम अभी हैं रामेश्वरम में, ये देख सकते हैं रामेश्वरम का टेंपल। और कल का ब्लॉग आपने देखा ही, दर्शन वर्शन कर लिए थे। और आज हम निकलने वाले हैं धनुषकोटि और पम्बन ब्रिज देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आपको बता देते हैं, ये है हमारा साइकिल और ये है उधर नागेश्वर का साइकिल, ठीक है। और ये था हमारा होटल का मतलब लॉज जहाँ पे रुके हुए थे। ऐसे तो देखिए यही है, कुछ इस प्रकार का लोकेशन आपको देखने में के लिए लगेगा। अगर आप लोग भी आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। उधर है मंदिर, अब मंदिर से मात्र 50 मीटर पीछे है ये श्री रामदेव राजस्थानी भंडारा। सर से बढ़िया से बात कर लेते हैं और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप एक साइकिलिस्ट हैं या पैदल आ रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं, तो सिंगल के लिए यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है, तो मैं आपके लिए सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो सर बताएंगे सब कुछ। तो सर पहले बताइए कि सिंगल लोगों को यहाँ अलाउड है कि नहीं? भैया अलाउड है, मतलब हम लोग का दो आदमी, आप कैसा है ना, इसका सेम है, आपका मोबाइल नंबर पकड़ता है, आपके घर का नंबर पकड़ता है। क्यों, इधर का सेफ्टी होना चाहिए, दोनों का सेफ्टी के लिए मैं ऐसा देता है। कितना पैसा लगता होगा? आदमी के 100 रुपया नहीं है ना, थोड़ा गरीब का, थोड़ा देखने के बाद मैं ऐसा देता था। यहाँ पे खाना पीना का भी अंदर में व्यवस्था है इस लॉज में, अगर आप आते हैं तो कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे खाना पीना का भी मिल जाएगा, यहाँ पे होटल है, लॉकर आपको मिलेगा, और लॉकर के साथ साथ ये होटल का सीन है। यहाँ पे खाना पीना भी आपको मिल ही जाएगा। ये सीन आपको इस तरह का देखने के मिलेगा, श्री रामदेव राजस्थानी भंडारा होटल यही है, आप देख सकते हैं। बाहर से बहुत आराम से आपको दिख जाएगा यहाँ पे सर से, और यही अंदर जाने का रास्ता है। और ये सीधे मंदिर, मंदिर के इधर में ये श्री राम का नारा लगाते हुए लोग कलश लेके जा रहे हैं रामेश्वरम की ओर। और राम भगवान का ही रामेश्वरम देख सकते हैं, यहाँ पे मिल गया था। तो जय श्री राम का नाम लेते हैं और अपने सफर को शुरू करते हैं। उससे पहले जो सर ने बुलाया था खाना खाने के लिए, भूख भी लगा है यार, खाना भी खा लेंगे कि नहीं फ्री में, उसके बाद चलते हैं धनुषकोटि के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक बैग का मार्केट दिख गया था, तो इसको भाई को लेना है, तो वही देख रहा है। तो गाइस खाना पीना खाने के बाद होटल से फ्री में करवा दिया सवेरे सवेरे नाश्ता ही। और तो हम 3 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, एक रामर पद्मम टेम्पल है। कहा जाता है कि इस टेम्पल में भगवान राम आए थे और यहाँ से श्रीलंका को देखने के लिए आए थे। तो ये वो स्थान है जहाँ पे राम भगवान का चिन्ह है पद का। तो ये रहा सामने मंदिर, तो इसी मंदिर के पास हम चलने वाले हैं। सामने है मंदिर, मंदिर के पास चल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं रामर पद्मम टेम्पल में। दोस्तों ये स्थान इतना ऊंचा है, उस समय रामायण में इतना ऊंचा हुआ करता था, जहां से राम भगवान पूरा ये जो रामेश्वरम है उसको देखने का कार्य करते थे, और यहीं से श्रीलंका को देखने के लिए आए थे, और हनुमान जी भी यहाँ पे आए थे ऐसा रामायण में कहा गया है। इस हिस्ट्री के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और यहीं से पूरा देखा करते थे। आप भी देखकर दंग रह जाएंगे और कहेंगे जी हाँ ये बात बिल्कुल लगता है सही है। ये देखिए मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इस उस समय में भगवान भी इस नज़ारे को देखा करते थे, ये देखिए। तो सच में यार देख सकते हो कितना भव्य और कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से पूरा जो रामेश्वरम है
वो देखने में एक नंबर लग रहा है। वाह, पूरा रामेश्वरम नजर आ रहा है। वाह, सो ब्यूटीफुल। समुद्र वाला झील भी यहाँ से नजर आता है, थोड़ा थोड़ा नदी है वो, कोई नदी है वो। सुभाष चंद हिमाचल से। हम यहाँ गतका खेलो इंडिया कंपटीशन में आए थे, तो हमारी हिमाचल की टीम में जिसमें हमारे एक प्लेयर निखिल, एक हमारे स्पर्श, दूसरे हमारे इकजोत, अगमप्रीत और स्पर्श चौधरी, पांच बच्चे आए हुए थे हमारे। तो उस वाले राम पद्मम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे धनुषकोटी, और धनुषकोटी के रास्ते में आ चुके हैं। ये देख सकते हैं धनुषकोटी राम सेतु जो है यहाँ से दिखने वाला है। ये जगह पे हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है रास्ता, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि प्लास्टिक नॉट अलाउड, प्लास्टिक चेक पोस्ट, और यहाँ पे प्लास्टिक ना लाएं, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग का जहाँ जो चीज़ होता है वहीं रखना चाहिए, समुद्र में ला करके प्लास्टिक वगैरह फेंकना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। तो चलिए हम अपने सफर को तय करते हैं और पहुंचते हैं धनुषकोटी राम सेतु देखने के लिए। भाई अभी हम उस वाले रास्ते पे हैं, एकदम समुद्र के बीच में, दोनों ओर समुद्र, दीवार है कि पानी ना आए। तो भाई कुछ बोलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं चलते चलते बात किया करो, साथ में रहते हो किसी के बात ही नहीं करते हो, तो पता है मुश्किल होता है यहाँ पे। देखे ये रोड जो है यहाँ थोड़ा आसान है, दोनों ओर समुद्र है, दोनों ओर समुद्र, दीवार दिया हुआ है कि पानी रोड पे ना है। देखिए समुद्र दिखने लगा, मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है अपना मैप काम नहीं, मतलब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, फोन बहुत गर्म हो गया धूप के कारण, तो फोन भी बंद करना पड़ेगा। बाकी आपको दिखा रहे, देखिए हम कहाँ है अपना, अगर GPS आपको दिखाए तो ये देखिए हमारा पॉइंट GPS का, हम कहाँ पे हैं। और एकदम राम सेतु जो है, राम सेतु पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, राम सेतु पे ही समझिए तो चल रहे हैं। इधर देखिए, ये देखिए यहाँ आ गए, श्रीलंका के पॉइंट पे है, देखिए भारत के नक्शा में देखिए नीचे में है हम यहाँ पे। और ये देखिए, देखिए कहाँ पे है, दोनों ओर समुद्र है, बीच वाले रास्ते पर चल रहे हैं। ओके चलिए चलते रहते, धूप बहुत है, फोन बंद करना पड़ेगा। ओके गाइज, तो दोस्तों मैप में आपने देखा, और इधर देखिए हम लोग जहाँ, तो भाई अपना इन्फॉर्मेशन दो, कहाँ से? बिहार, झारखंड से हो ना? यस यस, झारखंड से हैं। हाँ, तो आपका एम क्या है? एम क्या है, मतलब उद्देश्य? ऑल इंडिया टूर। हाँ, मस्ती में घूमते रहना अपना, ऑल इंडिया ट्रेवल करना। अच्छा, और मेरा तो टारगेट है, हाँ जिसका जिंदगी में मस्ती नहीं समझो वो हस्ती नहीं। देखो दुख दर्द तो हमेशा होते रहेगा, लेकिन हर एक जिंदगी का पार्ट, हाँ पार्ट है। दुख दर्द नहीं होगा तो पता कैसे,
मुश्किल और तकलीफ वो जिंदगी का एक पार्ट है। मतलब जो इससे लड़के निकल जाए वही तो मेरा एक आर्ट। तो देखे कुछ लोग हाय वाय भी करते चलते, बहुत सारे लोग मिलते हैं करते हैं। आज पहला बार इस तरह से वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि दो लोग हैं, रास्ता सुनसान है लेकिन चल रहे हैं साथ में तो ठीक लग रहा। सूरज पूरा आई होप कि आप लोग भी मजे लेते होंगे। आप नहीं कर पा रहे तो क्या हमारे वीडियोस देख करके एंजॉय करिए, है कि नहीं? देखिए इधर समुद्र आ गया, समुद्र के किनारे वाला रोड। मतलब यार हवा आ रहा ना, उसका फीलिंग बयां नहीं कर सकते। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि रेगिस्तान में चल रहे हैं, दोनों ओर समुद्र और बालू बालू, गर्मी। और समय हो चुका है पूरा 1:48, मई जून है तो जनवरी लेकिन इधर मई जून मैं मान रहा हूँ, मई जून का गर्मी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों रास्ते में चलते चलते ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे कि हम रेगिस्तान में आ गए हैं, उधर समुद्र है और बीच में एकदम गर्म रेत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना साइकिल को लगा दिया है और उधर आपको दिखाएं तो उधर भी समुद्र ही है और ये रास्ता है और इधर समुद्र है क्योंकि हम धनुषकोटी में है जहाँ से आगे श्री राम भगवान का पुल बना था श्रीलंका जाने के लिए, वही रास्ते पे आगे चल के वो पुल नज़र आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और ये देखिए नज़ारा देखिए, और वहाँ पर आ गया हमारा एक और भाई, देखिए वाह कितना गर्म है, बालू को अगर देखते हैं ओह बहुत गर्म है, बहुत गर्म है भाई, क्या किया जाए यार। चलो पानी वानी देखते हैं, इधर कुछ नहीं है यार, इधर कुछ नहीं है, पानी वानी देखना पड़ेगा हमें। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच गया धनुषकोटी। आप देख सकते हैं ये इन पॉइंट है, इसके बाद श्रीलंका है, एकदम इन पॉइंट पे मैं पहुँच गया हूँ। और वहाँ जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वही राम सेतु का अंश है, वो आपको दिखाते हैं। इधर देखिए वो, उधर देखिए राम सेतु का अंश दिख रहा है और यहाँ पे हम हैं अभी। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया टूरिस्ट पैलेस ये बन गया, यहाँ पे कितना सारा लोग आए हुए हैं। और ये कार पार्किंग का लास्ट एरिया है, यहाँ पे मेरा साइकिल लगा हुआ है। तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ का कुछ सिनेमेटिक व्यू आप देखिए।
श्रीलंका जाने से पहले का लास्ट पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोग डर तो नहीं आ रहा है, मैं आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ समुद्र है, पानी जो एकदम क्लीन है, हालांकि नमकीन ही होगा, और उधर है राम सेतु। तो गाइस धनुष कोठी को घूमने के बाद हम आ चुके हैं स्टे करने के लिए एक जगह पे। आप देख सकते हैं मैं गंजी पहना हुआ हूँ, मजबूरी इतना है, गर्मी इतना है कि क्या कर सकते हैं, टी शर्ट पहन के वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए गंजी पहन लिए। सब कुछ दिखाना जो जैसा मेरा स्टोरी है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए टेंट लगा लिए हम लोगों ने, ये नागेश्वर भाई का है और ये हमारा टेंट है। और इधर बन रहा है खाना, देखिए रास्ता में कुछ मिला नहीं, हम लोग इतना व्यस्त थे एक दूसरे से बात करते हुए कि होटल वगैरह सवेरे खाएं और उसके बाद दूसरा बार खाने के लिए सोचे ही नहीं, बात करते 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 कहें ले यार खाना तो कुछ खाए नहीं। तो हमारे पास था ये चूल्हा और हमने बनाया मैगी। भाई ये देखो भाई पूरा मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चेहरा डाकू जैसा हो गया। हाँ, और यहाँ पे चावल रेडी हो चुका है, इधर देखिए ये चावल रेडी है, ज्यादा ही पक गया है, क्या करें ट्रेवल लाइफ में सब करना पड़ता है। यहाँ पे मैगी वगी पैक हो गया, चलिए अब खाते पीते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है रेडी, अब देखिए ये है मैगी और ये चावल। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या खा रहे हो भाई, तो भाई ये भी मिल जा रहा है वो बहुत अच्छा है। सब्जी बनाने जाते हैं तो कितना समय लगा, चावल बनाया इसमें सब्जी का सारा टेस्ट है, और ये भी हो गया, दोनों हो गया। तो यहाँ पे खा रहे हैं और यहाँ पे है भाई, ये भी खा रहा है। कैसा लग रहा है चावल और मैगी? मस्त मस्त ना, चलो भाई यही खा के ठीक है गाइस, खाते पीते हैं ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस खाना पीना खा करके रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं सोने। सोने से पहले आपको आज का स्टोरी बता देते हैं, आज की जो दिन की शुरुआत हुआ था, जो उसमें सबसे पहले होटल का जो मालिक था उन्होंने फ्री में पराठा वगैरह खिला दिया था, दो पराठा खाएं, खर्चा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद चलते रहे धनुषकोटी, घूमे उधर घूमे, रास्ता आते आते हमने सोचा था कि पद्मम जो ब्रिज है उसको भी घूमेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रात होगी, आते आते 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर उधर ही हो गया, और इधर 20 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास में हो गया। और फिर अभी हमने डायरेक्टली आकर के यहाँ पे खाना बनाया खाया, तो आज का खर्चा कुछ नहीं हुआ, डिस्टेंस वो 70 किलोमीटर के आसपास में हो गया, दो जगह घूम लिए, एक जगह कल आपको दिखा देंगे। तो ये था आज का कुछ का स्टोरी। और दोस्तों मेरे पास जो सिलेंडर था, गैस का चूल्हा था, उससे जो खाना बना रहे थे, क्या हुआ कि गैस थोड़ा सा लीक कर गया, चूल्हा ख़राब हो गया था, साइकिल में डाल डाल इधर उधर हिलते डुलते चूल्हा हो गया डैमेज। अब चूल्हा डैमेज हो गया तो उसके कारण गैस कर गया लीक, गैस लीक कर गया तो गैस में लग गया आग। वो तो सीन में आपको नहीं दिखाया, उसको ठीक करने के चक्कर में देखिए हाथ में क्या हो गया, कट गया है यहाँ पे। अब देखते हैं, ये पकना नहीं चाहिए नहीं तो फिर से प्रॉब्लम होगा। एक बार और शुरू ही दिन में 3 से 4 दिन में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसका सोल्यूशन तो हो गया लगभग। अब ये हुआ है, ये भी ठीक हो जाना चाहिए, ये उंगली में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऊपर स्क्रीन में हुआ तो ऊपर का स्किन सॉफ्ट होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगेगा ये ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का कुछ स्टोरी, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो होता है जो बता देते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।